रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म आज ही के दिन सन 1986 को पटना में हुआ था। बिहारी बाबू सुशांत कोई आम एक्टर नहीं थे, वो सेल्फ मेड एक्टर थे जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर बड़े ही शानदार अंदाज में पूरा किया। सुशांत आज अगर हमारे साथ होते तो वो अपना जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन वो आज नहीं है। एक्टर ने अपनी शुरुआत भले ही टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से की, लेकिन इस दमदार सफर में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और बता दिया कि एक टीवी का मानव देशमुख कभी धोनी की बायोपिक भी कर सकता है। आगे की सारी कहानी तो आप जानते ही हैं, लेकिन आइए आपको बता दें सुशांत का बचपन कैसा था। बिहार से ताल्लुक रखने वाले सुशांत सिंह राजपूत के पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माँ का नाम उषा सिंह था। एक्टर अपनी माँ के सबसे करीब थे। एक्टर के पिता बिहार के पटना शहर में स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन में कार्यरत थे। सुशांत सिंह राजपूत पांच भाई बहन थे, जिसमें सुशांत का नंबर सबसे आखिर में था। चार बहनें होने के नाते सुशांत को बहुत सारा प्यार मिला और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। सुशांत को बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। इसकी वजह यह भी थी कि सुशांत की बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल की क्रिकेटर रह चुकी हैं। आपको बता दें कि एक्टर को अपने घर और पड़ोस में लोग गुलशन के नाम से बुलाया करते थे। आपको बता दें कि एक्टर को अपने घर और पड़ोस में गुलशन के नाम से बुलाया जाता था। सन 2002 में सुशांत की मां का निधन हो गया। एक्टर पूरी तरह से टूट गए, लेकिन घर में मौजूद बहनों ने उन्हें संभाला, जिसके बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। सुशांत ने यहां अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था, जिस वजह से उनकी सारी शरारत माफ भी थी। आपको बता दें कि सुशांत ने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा था, फिर वो पढ़ाई हो, डांस हो, ऑडिशन हो या फिर कुछ और। लेकिन जिंदगी के पार्ट से वो कुछ नाखुश थे, जिस वजह से उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। वो शामक डावर के शिष्य थे। उन्होंने कई बड़े अवार्ड्स में बैकग्राउंड डांसर की तरह काम किया। ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत को ऐश्वर्या राय के साथ जूनियर डांसर के तौर पर डांस करने का मौका मिला, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। सुशांत ने बैकग्राउंड डांसर से लेकर रेड कारपेट तक का सफर सबसे कम समय में पूरा किया और सभी ने उनकी अदाकारी को पसंद किया। सुशांत का अंदाज उन्हें खास बनाता था। सुशांत खास थे और हमेशा रहेंगे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून सन 2020 को हुई थी। उन्हें उनके मुंबई के बैंड्रा स्थित घर पर मृत पाया गया था। हालांकि आज तक उनकी मौत के कारण से पर्दा नहीं उठ पाया है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जिसे उनकी मौत के बाद श्रद्धांजलि के रूप में रिलीज की गई थी। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जब अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे, उनके नौकर ने उनके शव को पंखे से लटकते हुए देखा था और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची थी, लेकिन इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत महज 34 वर्ष के थे। साल 2013 में सुशांत ने बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री ली। सुशांत को हमेशा फैंस का प्यार मिला था। ऐसे में हुई अचानक मौत की खबर से सुशांत के सभी फैंस का दिल दहल गया। उनकी आत्महत्या का कारण अभी भी स्पष्ट रूप से किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अवसाद के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया था। सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, इस बात को लेकर विवाद भी रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। कुछ लोग आत्महत्या को उनकी मौत की वजह बताते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हिंदी फिल्मों के नेपोटिज्म के चलते उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी मौत की वजह कोई हो, इतना कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु की वजह से हिंदी फिल्मों का वो सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, जिसे अभी कई सालों तक रोशन होना था। इस दिन पर आप सुशांत सिंह राजपूत को अपना श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।